oh काफी डिफरेंट टाइप्स की नेक नेकबैंड आप लोगों ने देखे होंगे सुने होंगे बट ये वाला जो नेक बैंड पास अभी अभी आ रखा है इसका जो नेक बैंड का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसमें आपको इन बिल्ट म्यूजिक देखने को मिलता है तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है मतलब आपको फोन को कैरी करने की जरूरत नहीं है जिम में ना ही आपको यहाँ पर पैरिंग या फिर ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी है उसकी दिक्कत होगी क्योंकि इसके अंदर हजार से भी ज्यादा गाने आपको देखने को मिलते हैं तो ये जो डिवाइस है ये है तारबुल कंपनी तरफ इसका नाम है म्यूजिक मैट फाइव और इस नेकबैंड के बारे में कंप्यूटर हम लोग वीडियो में आगे बताएंगे कितना वर्थ ये आप लोगों के लिए रहने वाला है बट उससे पहले

इसके अलावा जो है आपका मेन डिवाइस आपको हमें मिल जाता है अगर मेन डिवाइस की मैं बात करूं तो काफी नॉर्मल नेकबैंड की तरह ही दिखता है मतलब कुछ डिफरेंट आपको डिजाइन में देखने को नहीं मिलेगा यहां पर जिसकी जो मेन बॉडी है वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है और यहां पर जो यह वायरस इन्होंने यूज करे हैं वो आपको फ्लैट वायर डिजाइन में देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी बात होती है इससे कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है एज कंपेयर टू तो जो सर्कुलर वायर वायर आते हैं और साथ ही यहाँ पे जिन्होंने ब्रेडिंग भी कर रखी ताकि आपको एक प्रोटेक्शन मिल सके जो टियर अप होने के चांसेस रहते हैं यूजली नेकबैंड में वो चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी बाकी अगर बात करो इसके हेड्स को लेके तो वो प्लास्टिक के थोड़े से ब्रॉड आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफी लोगों को लग सकता है बट मुझे सच कोई दिक्कत यहां पे आई नहीं और अगर टिप्स की बात करूं, तो मैग्नेट आपको पे प्रॉपर देखने को मिलता है मेटल के एयर टिप्स हैं ये यहाँ पर एयर टिप्स में एक चीज नोटिस करने को ये कि इसमें हुक जो दे रखा है वो रिमूवेबल है अगर आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है मुझे इतना तो आप उसको निकाल सकते हैं जैसे मुझे पसंद नहीं लगा तो मैंने उसको निकाल के इसको यूज कर रहा हूं तो मुझे फिटिंग काफी प्रॉपर लगी यहां पे अब अगर बात करो डिवाइस में कनेक्टिविटी को लेकर जीरो को यहाँ पे उन्होंने यूज किया है और दस मीटर की रेंज में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है मुझे कहीं भी डिस्कनेक्टिविटी इशू इस डिवाइस में देखने को नहीं मिला इसके अलावा यहां पर जो आईपेस रेटिंग है वो भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है आईपेक्स फाइव रेटेड है तो अगर आप इसको जिमिंग के टाइम पर पहन रहे हैं या शावर वगैरह में पहन रहे हैं तो पहन सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अच्छी तरीके से वर्क करते मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेकबेंड्स में जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो कहने का आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ईयरबड्स और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो 35 फाइव आर्स का मतलब अगर आप इस डिवाइस को एट 50% परसेंट ऑफ वॉल्यूम यूज करते तो आप इसमें 35 फाइव आवर्स तक जो है कंटिन्यूसली म्यूजिक को इंजॉय कर पाएंगे और यहां पर अगर आप इसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को देखते

फॉर्मेंस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी अगर आप आउटडोर uh, में हैं तो थोड़ा सा नॉइज वगैरह कैप्चर करता है क्योंकि ए वगैरह इसी चीज़ आपको मिलेगी नहीं यहाँ पर इंडोर में है तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है और अगर आप uh, और एम में अगर नॉइज कम है तो और ही परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाता है इवन इसमें जो है कॉल वाइब्रेशन अलर्ट भी मिल जाता है तो जैसे कॉल वगैरह आते हैं तो जो नेगमेंट है ये वाइब्रेट करता है जो कि काफ़ी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एसेंशियल रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ आपको इसमें मिलती है और जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे कॉल क्वालिटी का वो मैं आपको टेस्ट कराता हूँ आप उस पर नजर डाल डालें आवाज़ सुन रहे हैं वो इस नेकबैंड के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा था ताकि तुम्हें एक अंदाव से आया कि जब इस इसनेकबेंड को तुम यूज करोगे कॉलिंग वगैरह के टाइम पे तो कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस तुम्हें इस माइक्रोफोन से देखने को मिलती है अब रही बात डिवाइस में गेमिंग को लेकर तो गेमिंग के लिए मैं पर्सनली इसको डिवाइस को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि गेमिंग में लेटेंसी वाला इशू हल्का सा मुझे लगा और जो कि एंड्रॉयड यूजर्स को देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है बाकी और जो क्लैरिटी है वो भी इतनी शार्प आ, मतलब जो स्टेप्स की जो वॉकिंग है मूवमेंट है वो प्रॉपर सुनाई नहीं देते हैं तो वो मुझे यहाँ पर पर्सनली लगा कि आप इसको गेमिंग के हिसाब से नहीं यूज़ करें तो यही बेहतर है वैसे मैंने आप लोगों की कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर लेटेंसी टेस्ट किया है तो उसपे ऊपर नजर डाल लें उस डिवाइस में वैसे बटन आपको मिलते हैं और इसमें जहाँ पे चार बटन्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं एक तो आपका मल्टी फंक्शन बटन है जिसको आप पावर ऑन ऑफ के लिए यूज़ करते हैं तो एक बार पावर ऑन ऑफ करने के बाद अब अगर आप डिवाइस में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि इन जो म्यूजिक है अगर आप उसमें फोल्डस शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्योंगा प्लस वाले पे आपको डबल टैप करना होगा तो हमें फोल्डर्स जो है शिफ्ट कर पाएंगे वहीं ट्रैक्स को चेंज करना है आपको उसी फोल्डर के अंदर तो आप सिंगल प्रेस करें तो आपका ट्रैक जो चेंज हो जाएगा वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए आपको टच सके होल्ड करना होगा प्लस वाले को ताकि वॉल्यूम बढ़ने लगेगी माइनस वाले से जो आपकी है वॉल्यूम जो है कम होने लगेगी वहीं प्ले पॉज करना है तो उसके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दे रखा है प्ले पॉज के तो आप उसको प्ले पॉज के लिए यूज कर सकते हैं ब्लूटूथ के टाइम पे भी सेम फंक्शन आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम कंट्रोल करना है या आपको ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है तो बटन का फंक्शन और रिस्पॉन्स मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा ऐसे कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है तो आई वुड से कि नेक बैंड अपनी प्राइसिंग के साथ सोलह सौ रुपये के प्राइस पॉइंट पर उस डिवाइस को रखा है और इस प्राइसिंग पे मुझे ये डिवाइस काफी वक्त लगा एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है यहाँ पर आपके बोर्ड के नेक बैंड को नॉइस के नेक बैंड को और भी जो डिफरेंट ब्रांड्स के नेक बैंड्स आते हैं स्पेशली अगर आपके घर में दादा दादी हैं या आपके पापा मम्मी को आपको गिफ्ट करना है क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ड म्यूजिक देखने को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज हो जाती है और जो लोग फोन वगैरह कैरी करना पसंद नहीं करते हो सकता है तो अगर तो आपको मिल जाएगी बस ये रिक्वेस्ट करूंगा इनफॉर्मेटिव लगाए तो लाइक जरूर कर देगा दोस्तों का शेयर करना अगर वो भी कुछ इस तरह का नेकबैंड ढूंढ रहे हो और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट आते हैं फिर अगले स्नौट करते हैं जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए